हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रपोज द बेसिक कोरल रीफ क्लासिफिकेशन स्कीम। किसने प्रपोज किया था बेसिक कोरल रीफ क्लासिफिकेशन स्कीम को? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। आंसर इज सी। Which one of the following water bodies is situated between Australia and New Zealand? तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा न्यूजीलैंड, और इसके बीच में जो वाटर बॉडी है ये है तस्मान सी। आंसर इज डी। ओके, वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में लोकेटेड है वखान कॉरिडोर? तो ये लोकेटेड है अफगानिस्तान में। ये रहा ये वाला पार्ट जो है, ये है वखान कॉरिडोर। ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग कर देता है, और अफगानिस्तान और चाइना के बीच में ये रहा आपका वखान कॉरिडोर। ओके, A difference between two longitudes at equator is nearby equivalent to how many kilometer? तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दो longitudes के बीच में? तो ये होता है कुल 111.32 किलोमीटर का होता है। मोटा मोटा इसको 111 किलोमीटर कह देते हैं। और इसको निकाला कैसे जाता है? जैसे जो हमारा जो इक्वेटर होता है उसका ये कुल होता है कितना, इतना होता है, हाँ, और इसको डिवाइड किया जाता है 360 से। तो ये आ जाता है 111.32 किलोमीटर। विच सॉयल इज फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स? कौन सा सॉयल फॉर्म होता है बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, जो कि रिवर के द्वारा लाया जाता है? तो ये है एलुवियल सॉयल, दैट इज जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो बनती है रिवर के द्वारा, जो लाई गई सिल्ट होती है उसके द्वारा बनती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉर्डन ड्रेन्स? जॉर्डन रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है? तो ये रही आपकी जॉर्डन रिवर, और ये आके ड्रेन होती है डेड सी में। आंसर इज बी। ओके, जॉर्डन रिवर फ्लो थ्रू द मिडिल ईस्ट एंड फॉर्म फर्स्ट, ये बॉर्डर बनाता है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में। इज़राइल और जॉर्डन के बीच में ये बॉर्डर बना देता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रेंच इज नॉट इन द पैसिफिक ओशन? पैसिफिक ओशन में कौन सा ट्रेंच नहीं है? तो देखिए, ये जावा जो ट्रेंच है ये पैसिफिक ओशन में नहीं बल्कि इंडियन ओशन में है। जावा आइलैंड है ना जो इंडोनेशिया का, उसी के पास ही है जावा ट्रेंच। बाकी ये सारा आपका पैसिफिक ओशन में है। कोरापुट इन ओडिशा इज फेमस फॉर वॉट? कोरापुट जो ओडिशा में है वो फेमस है किसके लिए? तो ये फेमस है बॉक्साइट और लाइमस्टोन माइंस के लिए। आंसर इज ए। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आंसर इज डी। ओके, मध्य प्रदेश में है, ये रहा आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, और इसको यूनेस्को ने डिज़ाइन किया था बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम? गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है कौन सा? तो ये है देखिए, मंदाकिनी, हिंडन और सोन, ये सारे गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा सिस्टम का पार्ट है। लेकिन ये जो धनसरी है, धनसरी गंगा सिस्टम का नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्रा का पार्ट है। ये रहा आपका धनसरी, या के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, और ये मतलब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। द ट्री स्पीसीज मोस्ट कॉमनली यूज इन सोशल फॉरेस्ट्री इज? जो सोशल फॉरेस्ट्री में यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन है ट्री स्पीसीज, ये है यूकेलिप्टस। आंसर इज बी। इसके अलावा एकेसिया है, पोलार है, ये सारी सोशल फॉरेस्ट्री में यूज की जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया और
पॉपुलर फॉर देयर स्किल्स इन आर्चरी। आर्चरी की जो स्किल्स है उसमें पॉपुलर है इंडियन ट्राइब है, और ये है भील्स। आंसर इज ए, ये आर्चरी में पॉपुलर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 6 मिलियन है। ओके, और ये मेनली फाउंड इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ऐसी जगह पे ये मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अनुसार डेंसिटी इंडियन पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है, तो ये है 382। आंसर इज ए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ NH44 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में NH44 का सबसे ज्यादा पार्ट है, तो ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। आंसर इज डी। ओके, मैक्सिमम लेंथ जो NH44 की है वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में NH44 का कुल 627 किलोमीटर का भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो कि लार्जेस्ट है, तो ये है आपका सोन। आंसर इज डी। ओके, लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, और ये है 780 किलोमीटर की। ओके, 780 किलोमीटर की, और ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से। अमरकंटक प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है। Which of the following landforms occupy the northwestern parts of Indian state of Bihar? तो कौन सा लैंडफॉर्म है जो ऑक्यूपाई करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, तो ये है सोमेश्वर हिली रेंज। आंसर इज सी। ओके, सोमेश्वर हिली रेंज जो है ये जो बिहार का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको ऑक्यूपाई करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कनिकरन एंड यूरवा ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया। कनिकरन और यूरवा ट्राइब मिलते हैं किस पार्ट में, इंडिया के किस पार्ट में, तो ये साउथ इंडिया में मिलते हैं। आंसर है डी। साउथ इंडिया में मेनली कहाँ पे, ये केरला में मिलते हैं आपको, केरला में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, और यूरवा जो ट्राइब है ये तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी इज द बनिहाल पास लोकेटेड। बनिहाल पास किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, ये रहा आपका बनिहाल पास। ओके, और इसका जो एलिवेशन है मतलब समुद्र तल से जो ऊंचाई है इस पास की वो है 2652 मीटर। ओके, द कॉन्ट्रोवर्सियल बबली प्रोजेक्ट इज अ बैरेज बींग बिल्ट बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट अक्रॉस विच एमंग द फॉलोइंग रिवर्स। तो किस रिवर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है किस रिवर पर ये बबली प्रोजेक्ट है, तो ये है गोदावरी रिवर पर। आंसर इज सी। बबली रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज बींग कंस्ट्रक्टेड बाई महाराष्ट्र अक्रॉस द रिवर गोदावरी। ओके, इसको ये डिस्प्यूट में तेलंगाना के द्वारा था 2013 में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था रूलिंग आफ्टर 7 ईयर्स इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, 2013 में इसका सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के फेवर में अपना जजमेंट दिया था। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है, इसका नाम किसने रखा। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फियर दैट द डीप प्रेशर एरिया ओवर कच्छ वुड टर्न इनटू साइक्लोन असना, हु नेम्ड इट। तो साइक्लोन असना नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, और इसका मतलब है, असना का मतलब क्या होता है, असना का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.